गाइस आज का व्लॉग रहेगा मेरी मदर के नाम पे, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला हमेशा व्लॉग में शॉर्ट्स में तो हमेशा मेरे साथ बनाती है, लेकिन व्लॉग में कभी मेरे साथ नहीं बनाती है। तो हमेशा तू डाइट बनाती है, तू वर्कआउट करती है, तो आज मेरे ऊपर होना चाहिए व्लॉग कि मैं कुछ अपनी ऑडियंस के लिए डाइट वाला बना के दिखाऊँ। इसी बहाने मैं खुद भी डाइट का खाऊँगी और तुझे भी खिलाऊँगी और ऑडियंस को कुछ अलग देखने को मिलेगा। हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं आज डाइट वाला खाना बनाऊँ और हम दोनों खाएँगे, ये भी खाएगी मैं भी खाऊंगा और ऑडियंस आप भी खाना। तो आप उस खाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि मदर आप क्या बनाने वाली है, बताना चाहोगे या दिखाओगे सीधा? मैं दिखाना चाहूंगी सीधा। चलो फिर चलते हैं बनाने के लिए किचन में। हम आ गए हैं, क्या है आपके पास ये पहले ये बताओ, मुझे भी नहीं पता क्या बना रहे हो आप। ये क्या है? ओट्स है। तो ये ओट्स है। हाँ, ये ओट्स और ये हरा धनिया, ये हरी मिर्च, एक टमाटर, पनीर स्वाद के अनुसार और ये कढ़ाई। कौन सा पनीर होता है मम्मी जी? नमक होता है। मतलब ज्यादा पनीर नहीं, पनीर मैंने थोड़ा, मतलब स्वाद आए जैसे। ठीक है, और ये रही कढ़ाई, ये कढ़ाई है। मैं भी आ जाती हूँ यार, थोड़ा कैमरा वैमरा पकड़ लो, ऑडियंस को दिखने चाहिए, आईएमटीवी का व्लॉग है। कढ़ाई में क्या डाल रहे हो? कढ़ाई में सिर्फ मैं एक चम्मच, ये एक चम्मच बहुत बड़ा है, तो बड़ा। एक मैं इसमें चार बूंदे डालूंगी बस। दिखा देखो कितना थोड़ा सा डालना है, डाइट वाला है तो। ये है चार बूंदे, ये चार है, कम से कम 15 बूंदे होंगी, चार बूंदे। चलो इतना तेल तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो फैट हमें अगर लेना है तेल को तो एक्सेस में मत लो, कि सब्जी में हटो ना, क्या दिख रही कि सब्जी में तेल बाहर ना आए, तो इतना लो कि वो सब्जी में ही थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है, समझ गए ना। तो इतना ही तेल लेना जितना बहुत ही कम लिए वैसे तो। चलो अब ये मैं एक टमाटर है उसको मैं चॉप कर लेती हूँ, ये हरी मिर्च है उसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ और पनीर को पीसेस में काट लेती हूँ। हमारी चॉपिंग चल रही है पनीर वगैरह का, आज मेरी मम्मी बना रही है ओट्स का कुछ मील। गाइस मुझे खुद नहीं पता है, आई एम सो एक्साइटेड, और मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसा लगा, और आप भी इसे ट्राई करना अगर पसंद आए तो, कॉमेंट में जरूर बताना। इतनी फास्ट चॉपिंग तो खैर मुझे भी नहीं आती है, अगर पसंद आया तो देखो नुकसान है आपका। एक हरी मिर्च, इग्नोर, सिर्फ स्वाद के लिए हरी मिर्च, ज्यादा मिर्च नहीं, नहीं सिर्फ एक। अच्छा अच्छा, ये मैंने चॉप कर लिया। हाँ, ये हरी हरा धनिया, ये ओट्स, अब मैं थोड़ा सा तेल गर्म हो गया। हाँ, घी गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, जीरा डालूंगी थोड़ा सा। देखो मैं दिखाती हूँ कढ़ाई में, देखना चाहिए ये सिर्फ थोड़ा सा जीरा, ये मुझे ये क्या चला दिया, और फिर मैं इसमें डालूंगी मसाले सारे जो मैंने चॉप किया था, वो ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक कौन सा है? सेंधा नमक। सेंधा नमक आप लोग इसके बदले पिंक रॉक सॉल्ट भी ले सकते हो, सेंधा भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो वो ले लो, लेकिन वो दूसरा मत लेना। जैसे टमाटर हो जाए, गल जाए, तो मैं थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगा। कितनी देर के लिए ढकना है? सिर्फ 2 मिनट। गले नहीं, तेज करेगा? नहीं नहीं, गल गए भाई, तो कच्चे हैं। नहीं नहीं, गल जाएंगे। ये पहली बार देख रही हूँ कच्चे टमाटर को, मेरी माँ बोल रही गले गए। हाँ, गले हुए। स्वाद देखेंगे कैसा आता है। बहुत अच्छा आता है। देखो हमने इसमें कुछ नहीं डाला, वैसे तो बहुत कुछ डाला है, लेकिन इतना डाला है। क्या डाला हमने मसाले में? सिर्फ नमक और जीरा और एक हरी मिर्च बस। और हल्दी वल्दी नहीं डाला? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, नमक, जीरा और क्या, हरी मिर्च। हाँ, और पानी डाला है और इतना सा आपके सामने घी लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ओट्स, ये मैंने इसमें डाल दिया ओट्स। अब मैं इसमें थोड़ा डालूंगी हरा धनिया बनने के बाद। नहीं नहीं, इसमें तो मैं नई नई चीजें देख सीखने को मिल रही है कि हरा धनिया हम लोग नॉर्मली क्या होता है, खाने बन जाते हैं तो उसको उसे अच्छे से मतलब डेकोरेट करने के लिए डालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही डल गया। ये हो गया, तो डेकोरेशन के लिए नहीं है, स्वाद के लिए। हरा धनिया, हरा धनिया तो वैसे ही अच्छा होता है। फिर इसमें मैं एक गिलास पानी और ऐड करूंगी। मैं लेऊंगी पानी, तो एक काम तो कर लूं, पानी लेना। उसमें टमाटर खुद अपने आप लेना। हाँ, डाल और एक गिलास डालना, अच्छे से उबलेगा ना। गरम पानी डालो ना, जो मर्जी डाल दे। गरम पानी से डाल, गरम पानी से थोड़ा अच्छा स्वाद आता है। हाँ, ठंडे पानी से स्वाद खराब हो जाता है, गरम पानी से स्वाद बना रहता है। सारा डाल दे, सारा। हाँ, और उसको हम ओट्स को थोड़ी देर, बहुत ज्यादा नहीं होगा, नहीं। ये खाने में ओट्स बहुत स्वाद,
दिखने में कैसे लग रहे हैं, पानी पानी। पर खैर हमने तो क्या क्या खाया हुआ है तो हमारे लिए तो मतलब बन जाता है, जो लोग करते रहते हैं डाइट वगैरह उनके लिए। अभी थोड़ा उबलेगा, क्या पता अच्छा टेस्ट हो जाए, लेट्स सी कितना अच्छा होता है। थोड़ा सा मैं पानी और डालूंगी मैं, है ना, और पानी थोड़ा सा और। हाँ और बस अब मैं इसको कितनी देर के लिए हमें रखना है? 5 मिनट। 5 मिनट के लिए हम रखेंगे, 5 मिनट बाद चेकआउट करेंगे कि आपकी शक्ल आती है। मेरे सिर्फ पेट है बस, बाकी मैं ठीक हूँ। गाइस आप बता दो मम्मी को क्या कम करने की जरूरत है, सिर्फ पेट या पूरा बॉडी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ये ले लूँ? प्लास्टिक में मत लो, प्लास्टिक बैग। ये ये देखो कितने मस्त, एकदम मस्त। और नमक वमक कम नहीं है? नहीं, सब कुछ परफेक्ट। मैं कभी नमक चखती नहीं हूँ, मैं अपने आप बनाती हूँ, मेरा अच्छा होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, परफेक्ट होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, देख लो। आप लोग बता दो क्या ये आपको सही लग रहा है, सब कुछ परफेक्ट होगा? प्लीज गेस करिए। ये मैंने गैस कर दी बंद, अब ये कटोरी मेरे लिए। हाँ, और बाकी बड़ी वाली, ये वाली कटोरी मेरे लिए, ये टेस्ट के लिए निकाल दो थोड़ा सा, और ये वाली कटोरी मेरी बेटी के लिए। देखो ज्यादा दोगे? क्योंकि वो खाना नहीं खाती ना, मैं तो खाना खाती हूँ। तो मैं उसको खाना खाती नहीं, ऐसे बदनाम मत करो, मैं खाना, ये खाना डाइट वाला खाती है। हाँ, खाना ये खाना डाइट वाला खाती है, और मैं वैसा नॉर्मली खाती हूँ। नॉर्मल मतलब सब्जी रोटी बस ये। और उसमें क्या क्या होता है? दही, थोड़ी सी सब्जी स्पाइसी। अच्छा बोल रहे हो, देख रहे हो? दही सब झूठ है, सब झूठ बोल रही है। और ये रहा, टेस्ट कर लेते हैं, पकड़ना से पकड़ना, टेस्ट कर लेते कैसा पता है। आज थोड़ा सा मेरा गला वाला भी खराब था, तो गरम गरम खाने को मिल रहा है, देखते कैसा है। ये टेस्ट के लिए ले लेते पहले, थोड़ा सा गर्म तो नहीं है? नहीं, पहले आप खाओ। चलो नहीं, पहले तू खा। नहीं पहले, पहले पहले माता, पहले नहीं, पहले पहले खा, पहले नहीं, पहले नहीं, पहले गर्म है बहुत। नमक एक परफेक्ट, अब तू खा कर। इसके आगे सब फेल है, मेरे आगे, इस ओट्स के आगे। बहुत अच्छा है, इतना पानी डालने के बाद भी अच्छा कैसे बन गया? नमक मेरा परमानेंट चखा नहीं, नमक नमक तो सही है। अंदाजा तो मुझे अंदाजा है, क्योंकि इसकी दादी से मुझे कुछ सीखने को मिला था, तो वो मुझे सिखा के गई हैं। और मेरी माँ मुझे सिखा रही है, तो मैंने नई, अब मैं भी चाहती हूँ सीख ले, अपने आप नमक डाले और चखे नहीं, और अंदाजा भी होना चाहिए, कभी कम न कभी ज्यादा। ओके, और ये गाइस मस्ट ट्राई है आपके लिए, मील बहुत सही है इसमें, आपने देखा फैट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा बहुत तो चलता ही है, हल्का फुल्का तेल, एंड देन उसमें ओट्स, आप में प्रोटीन एंड कार्ब्स मिल गए, परफेक्ट मील, पनीर भी डाल दिया प्रोटीन के लिए, तो परफेक्ट मील फॉर योर डे। आप इसे जरूर ट्राई करना एंड कमेंट बताना कि ये डिश जो है मील बाय मदर कैसी आपको लगी कमेंट में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग छोटा सा, कीप लविंग अस। और ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, फॉलो करना और शेयर करना, माँ ने बोला तो जरूर शेयर करना। अगर आपको कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे, डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ इंस्टाग्राम हैंडल transformation.ru, जहाँ पे आपको मिलेंगे कस्टमाइज एंड वर्कआउट प्लान। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।